हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भैया मैं लेके आया हूँ, ये भारी क्रिकेट किट नहीं है भाई, ये है एक हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल ट्राइपॉड, वो भी बजट कंपनी का। नहीं, बजट कंपनी का नाम नहीं, लेकिन जब मैं डिजिटेक की बात करता हूँ मुझे हमेशा बजट ही समझ आता है, क्योंकि जो भी वो सामान निकालते हैं अपने यूजर्स को माइंड में रखते हुए बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली रहते हैं। और अगर ऐसा हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड इतना प्रोफेशनल और इतनी बढ़िया क्वालिटी का आप मार्केट में कहीं और लेने जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 10,000 तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, 15-20 हज़ार का भी कुछ फटका लग जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बजट ट्राइपॉड, पूरे इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटेक का ये ट्राइपॉड जो है, इसका मॉडल नंबर है 605VD। और ये देखो, बॉक्स मैंने साइड कर दिया, अनबॉक्सिंग आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी देख रही है। बॉक्स से निकलता है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बैग, और बैग को हम खोलते हैं और इसके अंदर से आपको मिलता है, ओह माय गॉड भाई साहब, ये हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड। लोग इसको पहले बाहर निकालते हैं, ये देखो भाई, इसको फिलहाल के लिए साइड रखते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इस बैग की। बैग बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का है, जैसे मैंने आपको बोला, साइड में ये स्ट्रैप्स हैं पकड़ने के लिए, हैंडल सा बना हुआ है, और अंदर एक छोटी सी ये पॉकेट है जहां पे आपको मिलते हैं ये दो एलन की, और साथ में जो ट्राइपॉड पे बेस प्लेट पे सिक्का ढूंढते रहते हैं लोग, इसका भी जुगाड़ साथ में किया, वो भी आपको एक दे रखा है। और ये रहे आपके शोल्डर स्ट्रैप, अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं बैग को ट्रैवल के लिए, तो ये शोल्डर स्ट्रैप्स आप यूज कर सकते हैं। बैग को संभाल रखना, इधर से उधर के ट्रैवल करना है, इतने अच्छे बैग्स बहुत ही कम कंपनी अपने ट्राइपॉड के साथ देती है, तो ये बहुत ही सही चीज है। इसको अब हम करते हैं साइड में। तो दोस्तों, फोल्ड करने के बाद 2.9 फीट का हो जाता है, टोटल वेट है वो है 4.3 केजी। देखो, आपको इसके साथ 2.1 क्लैंप सिस्टम आता है, ये दो क्लैंप, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है, इसको खोल के आप जो है इसको प्रॉपर ओपन कर सकते हैं। चलो इसको खोल देते हैं, मैंने टेबल साइड कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि इसको हम एक्चुअली देख सकें। 6 फीट की हाइट बता रहे हैं इस ट्राइपॉड के साथ आपको मिलती है। सो, पहला वाला मैंने खोल दिया, अब इसको सेकंड खोल लेते हैं। तो गाइज, मेरी हाइट जो है 6 फीट है, तो ये 6 फीट का तो नहीं है, मुझे लग रहा है तकरीबन ये 6-2-6, 6-3 तक होना चाहिए। इसको मैं वापस ले आता हूं अपने लेवल पे, फिर बात करते हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग जो ट्राइपॉड है, ये एक्चुअली 20 kg का वेट ले सकता है। आपके जो कैमरा गियर्स हैं, आई एम श्योर इतने भारी नहीं होते, बट 20 किलो तक का वेट ये ले सकता है ट्राइपॉड के साथ। आपको ये हैंडल भी मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया, राइट या लेफ्ट जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं, दोनों प्रोविजन अपने पास है। और बढ़िया क्या है कि इसको आप ऊपर नीचे मनूवर करते टाइम पे, अगर आप इसकी पोजीशन भी जो है अगर चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे को यहां ऊपर मिलता है एक यूनिवर्सल बेस प्लेट जो कि आता है दो नट के साथ, जैसा भी आपका कैमरा का साइज आप वो लगा सकते हैं। और बढ़िया बात क्या है, यहां पे ना मार्किंग भी हो रखी है, लेंस इस तरह पोजीशन करना है उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। और जब आप इसको स्लाइड करके यहां पे फिक्स करते हैं, बढ़िया बात क्या है कि ये लॉक हो जाता है आगे, जब मैंने इसको टाइट नहीं किया है गाइस, लेकिन आप इसको जब आगे की तरफ पुश करेंगे लॉक हो जाएगा, और अगर आपका कैमरा लगा हुआ है नीचे एक्सीडेंटली गिरेगा भी नहीं। इसको यहां पे फिक्स करके आप अगर टाइट करना चाहते हैं, यहां साइड में स्क्रू दे रखा है, नट है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हैं, और ये जो है क्विक रिलीज बटन है जिससे आप बेस प्लेट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइस, आपका जो ट्राइपॉड है, कैमरा लगने के बाद अगर आप पैनिंग करना चाहते हैं, यहां पे नॉब दे रखा है, इसको मैं जैसे ही लूज करता हूं तो हम इजीली जो है आपके कैमरा को पैन कर सकते हैं। आप ये देखें, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड जैसा मैंने आपको बोला, ये चेक करें। और ये जो यहां पे नॉब है, ये टिल्ट के लिए आपको दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा लूज करेंगे तो आप इजीली अप एंड डाउन जो टिल्ट करना चाहते हैं अपने कैमरा को, ये आप कर सकते हैं। इसका सिस्टम देखो, हाइड्रोलिक इतना बढ़िया, अगर आप इसको छोड़ते भी हैं ये वापस अपने पोजिशन में आ जाता है। और हीरो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फोटोग्राफी के, जिन्होंने जाके महंगे ट्राइपॉड्स मार्केट से लिए, वो बता रहे थे सर कि ये हेड अगर हम दूसरी कंपनीज की बात करें जहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम जो मिलता है, कह रहे 10 से 12 हज़ार रुपए सिर्फ इस चीज को लेने के लिए लग जाता है, यहां पे हमें पूरा ट्राइपॉड जो है इतनी बढ़िया क्वालिटी का डिजिटेक से मिल रहा है। अगर गाइस आप अपने बॉल हेड की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, यहां नीचे जो ये नॉब है इसको आप लूज करेंगे, और कई बार क्या होता है ना, आप बाहर हैं किसी पोजीशन में हैं जहां पे फ्लोरिंग प्रॉपर नहीं है, कैमरा फिर भी टेढ़ा हो रहा है, तो ये आप इसको लूज करके जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं कैमरा, आप अपना सेट करके और इसको आप टाइट कर लेंगे। गाइस, यहां हैंडल को अगर आप साइड में नीचे की तरफ देखेंगे, यहां पे वाटर लेवल चेक करने वाला भी आपको ऑप्शन दे रखा है।
तो गाइज ये ट्राइपॉड जो है मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा मेरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स क्रिएटर्स को जो एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड चाहते हैं, बजट ट्राइपॉड लेना चाहते हैं और चाहते हैं यार मैं जब अपना कैमरा यूज करूं वो फर्म स्टडी रहे, एकदम अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड रहे, तो ये डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। हैवी है डेफिनेटली, 4.5 किलो का है, लेकिन इस चीज को अगर हम प्राइस कंपेरिजन में लेके जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और ट्रैवल अगर आप कम भी करते हैं स्टूडियो सेटअप है आपका, वहां ये लगा के रख देंगे ना, टेंशन फ्री है, हिलने नहीं वाला, जाने नहीं वाला, 20 किलो का वेट ले रहा है भाई, और क्या चाहिए आपको। इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वैसे वो 9,995 का है, लेकिन Amazon पे आप इसको परचेस कर सकते हैं 6,499 का। इसका बाइंग लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूं, वहां पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।